खबर भरतपुर के डीग से है, जहां बहताना गांव स्थित उप कारागृह में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवाया। पुलिस ने साथ ही बताया कि मृतक सुंदर अवैधपुर का निवासी था। वह अपनी पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहा था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।